गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग जो कि मोहनदास के महात्मा बनने तक की पूरी यात्रा के मर्म और उसकी गहराई को अभिव्यक्त करती है इसीलिए बापू को जानने का सबसे सशक्त माध्यम जो बनता है वो है उनकी स्वयं की आत्मकथा आज प्रस्तुत है आत्मकथा सत्य के प्रयोग की पुस्तक से प्रस्तावना का पहला भाग चार या पांच वर्ष पहले निकट के साथियों के आग्रह से मैंने आत्मकथा लिखना स्वीकार किया था और उसे आरंभ भी कर दिया था किंतु फुल स्केप का एक पृष्ठ भी पूरा नहीं कर पाया था कि इतने में बंबई की ज्वाला प्रकट हुई और मेरा शुरू किया हुआ काम अधूरा रह गया उसके बाद तुम्हें एक के बाद एक ऐसे व्यवसायों में फंसा कि अंत में मुझे यरवाडा का अपना स्थान मिला भाई जयराम दास भी वहां थे उन्होंने मेरे सामने अपनी ये मांग रखी कि दूसरे सब काम छोड़कर मुझे पहले आत्मकथा ही लिख डालनी चाहिए मैंने उन्हें जवाब दिया कि मेरा अभ्यासक्रम बन चुका है और उसके समाप्त होने तक मैं आत्मकथा का आरंभ नहीं कर सकूंगा अगर मुझे अपना पूरा समय यवाधा में बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता तो मैं जरूर आत्मकथा वहीं लिख सकता था परंतु अभी अभ्यासक्रम के समाप्ति में भी एक वर्ष बाकी था और मैं रिहा कर दिया गया उससे पहले मैं किसी तरह आत्मकथा का आरंभ भी नहीं कर सकता था इसलिए वो लिखी नहीं जा सकी अब स्वामी आनंद ने फिर वही मांग की है मैं दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास लिख चुका हूं इसलिए आत्मकथा लिखने को ललचाया हूं स्वामी की मांग तो यह थी कि मैं पूरी कथा लिख डालूं और फिर वो पुस्तक के रूप में छपे मेरे पास इकट्ठा इतना समय नहीं है अगर लिखूं तो नवजीवन के लिए ही मैं लिख सकता हूं मुझे नवजीवन के लिए कुछ तो लिखना ही होता है तो आत्मकथा ही क्यों ना लिखूं? स्वामी ने मेरा यह निर्णय स्वीकार किया और अब आत्मकथा लिखने का अवसर मुझे मिला किंतु यह निर्णय करने में एक निर्मल साथी ने सोमवार के दिन जब मैं मौन में था धीमे से मुझे यूं कहा आप आत्मकथा क्यों लिखना चाहते हैं यह तो पश्चिम की प्रथा है पूर्व में तो किसी ने लिखी जानी नहीं और लिखेंगे क्या आज जिस वस्तु को आप सिद्धांत के रूप में मानते हैं उसे कल मानना छोड़ दें तो अथवा सिद्धांत का अनुसरण करके जो भी कार्य आज आप करते हैं उन कार्यों में बाद में हेर फेर करें तो बहुत से लोग आपके लेखों को प्रमाणभूत समझकर उनके अनुसार अपना आचरण गढ़ते हैं वे गलत रास्ते चले जाएं तो इसलिए सावधान रहकर फिलहाल आत्मकथा जैसी कोई चीज न लिखे तो क्या ठीक ना होगा इस दलील का मेरे मन पर थोड़ा बहुत असर हुआ लेकिन मुझे आत्मकथा कहां लिखनी है मुझे तो आत्मकथा के बहाने सत्य के जो अनेक प्रयोग मैंने किए हैं उनकी कथा लिखनी है यह सच है कि उनमें मेरा जीवन ओतप्रोत होने के कारण कथा एक जीवन वृत्तांत जैसी बन जाएगी लेकिन अगर उसके हर पन्ने पर मेरे प्रयोग ही प्रकट हों, तो मैं स्वयं उस कथा को निर्दोष मानूंगा मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे सब प्रयोगों का पूरा लेखा जनता के सामने रहे तो वो लाभदायक सिद्ध होगा अथवा यूं समझिए कि ये मेरा मोह है राजनीति के क्षेत्र में हुए मेरे प्रयोगों को तो अब हिंदुस्तान जानता है यही नहीं बल्कि थोड़ी बहुत मात्रा में सभ्य कही जाने वाली दुनिया भी उन्हें जानती है मेरे मन इसकी कीमत कम से कम है और इसलिए इन प्रयोगों के द्वारा मुझे महात्मा का जो पद मिला है उसकी कीमत भी कम ही है कई बार तो इस विशेषण ने मुझे बहुत अधिक दुख भी दिया है मुझे ऐसा एक भी क्षण याद नहीं जब इस विशेषण के कारण मैं फूल गया हूं लेकिन अपने आध्यात्मिक प्रयोगों का जिन्हें मैं ही जान सकता हूं और जिनके कारण राजनीति के क्षेत्र में मेरी शक्ति भी जन्मी है वर्णन करना मुझे अवश्य ही अच्छा लगेगा अगर ये प्रयोग सचमुच आध्यात्मिक हैं, तो इनमें गर्व करने की गुंजाइश ही नहीं इनसे तो केवल नम्रता की ही वृद्धि होगी ज्यो ज्यो मैं विचार करता जाता हूं भूतकाल के अपने जीवन पर दृष्टि डालता हूं त्यों त्यों अपनी अल्पता मैं स्पष्ट ही देख सकता हूं मुझे जो करना है तीस वर्षों से मैं जिसकी आतुर्भाव से रट लगाए हुए हूं वो तो आत्मदर्शन है ईश्वर का साक्षात्कार है मोक्ष है मेरे सारे काम इसी दृष्टि से होते हैं मेरा सब लेखन भी इसी दृष्टि से होता है और राजनीति के क्षेत्र में मेरा पढ़ना भी इसी वस्तु के अधीन है लेकिन ठेठ से ही मेरा यह मत रहा है कि जो एक के लिए शक्य है वो सबके लिए भी शक्य है इस कारण मेरे प्रयोग खानगी नहीं हुए नहीं रहे उन्हें सब देख सकें तो मुझे नहीं लगता कि उससे उनकी आध्यात्मिकता कम होगी अवश्य ही कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आत्मा ही जानती है जो आत्मा में ही समा जाती हैं। परंतु ऐसी वस्तु देना मेरी शक्ति से परे की बात है मेरे प्रयोगों में तो आध्यात्मिकता का मतलब है नैतिक धर्म का अर्थ है नीति आत्मा की दृष्टि से पाली गई नीति धर्म है इसलिए जिन वस्तुओं का निर्णय बालक नौजवान और बूढ़े करते हैं और कर सकते हैं इस कथा में उन्हीं वस्तुओं का समावेश होगा अगर ऐसी कथा मैं तटस्थ भाव से निरभिमान रहकर लिख सकूं, तो उसमें से दूसरे प्रयोग करने वालों को कुछ सामग्री जरूर मिलेगी अभी आपने सुना महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से प्रस्तावना का पहला भाग वाचन स्वरथा जनेन्द्र सिंह का प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज